से फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक अनप्लान ट्रिप पे निकल चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, जो भी अनप्लान था। जाना हमने कहीं और था, बट वहाँ पे हमारी कुछ बुकिंग्स वगैरह का नहीं हो पाया, तो हमने प्लान चेंज कर लिया। और अभी मैं अपने एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। रात में हम वहीं स्टे करेंगे और अगली मॉर्निंग में हमने वहीं से प्लान किया था कि हम आगे कहाँ जाएंगे। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने फ्रेंड के घर। तो करीब एक साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ अपने फ्रेंड के पास। तो बहुत ही अच्छा लगा, हमने खूब गपशप मारी, खूब इंजॉय किया और काफ़ी अच्छा समय हमारा जो टाइम था वो पास हुआ। और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, दोनों ही बच्चे हमारे, जो मेरा बड़ा बेटा और उनका बेटा, दोनों ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए और बहुत ही मज़े कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें मिलके। तो रात के करीब 1 बजे हम लोग सोए थे और हम लोग सुबह उठ गए और रेडी हो गए हम लोग अपने जाने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जाएंगे पहले मथुरा, जन्मभूमि श्री कृष्ण की। तो ये अनप्लान ट्रिप था, पता नहीं था कि कहाँ जाना है, बट लगता है कृष्ण जी ने हमें बुला लिया। तो हम आज जो है वो कृष्ण जी की नगरी ही जाएंगे, वृंदावन, और उनकी जन्मभूमि मथुरा, और हम लोग प्रेम मंदिर भी जाएंगे। तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे परेशान ही कर दिया था, मतलब एक गोदी से बिल्कुल नहीं उतर रहा था और किसी के पास नहीं जा रहा था, सिर्फ मेरे ही गोदी ये चढ़ा रहा, मतलब अपने पापा के पास भी नहीं जा रहा था। और बस मैं ही इसको लेके, मतलब सुबह से लेके रात तक, जब तक हम घर नहीं पहुँचे, ये बस मेरे साथ ही इसी तरह से चिपका रहा। तो अभी जब हम जन्मभूमि मथुरा में पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण की, और दोपहर का ही टाइम हो रहा था तो ज़ोरों से भूख लग रही थी, सबसे पहले हम खाएंगे खाना और उसके बाद ही हम लोग आगे दर्शन के लिए जाएंगे। ब्लॉग बना देगा, ये पूरा ट्रिप में रोता रहेगा। ब्लॉग बना देगा, ये रोता रहेगा। ये तो ऐसे गोदी चढ़े हैं और इसको देखो, वो ले लो यार, वो ले लो। अरे क्या कर रहा है, सारे कितना परेशान कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं बना देगा। आदित्य क्यों नाराज हो गया? हाँ क्या हो गया था? और ये भी नाराज हो गए? आदित्य वहां बैठे नाराज हो गया, आप इधर बैठे नाराज हो गए, दोनों नाराज हो रखे हैं। कर दो, तू ही बैठ जा, लगते हैं मैं भी फ्री हो जाऊं। फ्रेंड्स फ्रेंड ने मना लिया उधर, ये तो मान गया, हंस भी रहे हैं दोनों। लगा दे गाल पे, ऐसे दिखावे तुझे, कैसे लगाया तुमने? मेरी मत तुम खींचना, हमारी वाली ना। हाँ ये दक्षिणा देते हैं। तो हम लोग जन्मभूमि यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मैंने आगे जो है वो कैमरा लेके जाना बिल्कुल मना था, और जो भी हमारा सामान था, बैग वगैरह, वो सब भी हमारा यहाँ पे जमा कर लेंगे। तो आगे का वीडियो जो है वो मैं नहीं बना पाई, बट जो अंदर जाके जो जन्मभूमि थी वो बहुत ही सुंदर थी। अगर आपने श्री कृष्णा देखा है या आपने पढ़ा है तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या दिखाया जा रहा है और सब कुछ कैसे वहाँ पर उन्होंने मंदिर जो है वो बना हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं वृंदावन के लिए। वृंदावन हम वहाँ पे जाएंगे, वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर। दोनों के दोनों
तो भाई यहाँ से भी आगे जो है गाड़ी नहीं जा सकती है, तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और यहाँ से हम जाएंगे ई रिक्शा पे, और ई रिक्शा पे जाएंगे। तो हाँ, हम लोग ई रिक्शा में इसके बाद बैठ तो गए थे, बट जो हमें पैदल चलना पड़ा है, बिकॉज़ रिक्शे वाले ने हमें पीछे ही उतार दिया था, काफ़ी पीछे उतार दिया था, जबकि रिक्शा जो है आगे तक जाता है। ऐसा होता है कि लोग ऐसा ही करते हैं, पीछे उतार देते हैं और बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो काफ़ी ज़्यादा हमें पैदल चलना पड़ा और हम लोग अब पहुँच चुके हैं बांके बिहारी जी की तरफ। यहाँ से हम आगे सिर्फ पैदल ही पैदल गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और ये हमारे दोनों बच्चे जो वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो रास्ते में दिख गई हमारी फेवरेट लस्सी, कुल्हड़ वाली लस्सी, तो हमने कुल्हड़ वाली लस्सी यहाँ पे पी और आगे जाके हम लेंगे वहाँ चढ़ाने के लिए माला और जो भी प्रसाद वगैरह। तो भीड़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि लोग बिछड़ चुके हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स से। तो ये वाली दिक्कत भी बहुत देखनी पड़ती है ऐसे जो ऐसे मतलब तीर्थ स्थानों पे, तो काफ़ी मतलब कोई बच्चा कोई लेडीज़ वगैरह जो है वो अपने फैमिली से बिछड़ चुके थे। पहुंच गई मैं अंदर बांके बिहारी जी के मंदिर में। आप देखिए भीड़ कितनी थी, थोड़ा सा डर भी लग रहा था इतनी भीड़ में, बिकॉज़ छोटे बच्चों के साथ हम गए थे, तो इस जो इन दिनों में तो जो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अदरवाइज सुना है कि थोड़ी कम भीड़ होती है, खैर मेरा फर्स्ट ट्रिप था तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी और जगह जगह थोड़ी सी ना कंजस्टेड और धक्के वगैरह भी लग रहे थे, तो थोड़ा सा डर भी बना हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर के लिए, तो हम बस प्रेम मंदिर में पहुंच गए और मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, तो ये मंदिर जो है वो रात 8 बजे तक ही ओपन रहता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो हमें जाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, हम लोग मतलब 7:45 बजे मंदिर में पहुंचे थे, बट हमारी एंट्री तो मंदिर के अंदर हो चुकी थी, बट जो असली के जो दर्शन थे उससे हम जो है वंचित रह ही गए थे। तो थोड़ा सा मैंने अंदर जाके देखा, बहुत ही सुंदर था ये, बट जो हमें दर्शन जो है इस बार नहीं हुए, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम लोग फिर से जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यही था आज का व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड यस, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मिलती रहे आपको फर्दर नोटिफिकेशन।